सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MI टेक्निकल पॉइंट को, और ये जो साइड में बेल आइकन है इसे भी प्लीज़ दबाइए ताकि आप देख सके हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल MI टेक्निकल पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंटरनेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर हम आज की एज में देखा जाए तो इंटरनेट हम सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल हो चुका है। और दोस्तों, उसी के चक्कर में दोस्तों बहुत सारे लोग जो है अपने फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं जो कि डाटा को सेव करते हैं। दोस्तों, अब उसके चक्कर में जो एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में डाटा को सेव तो करता है, लेकिन दोस्तों उससे ज़्यादा एप्लीकेशन डाटा गेन कर लेता है और दोस्तों उसकी वजह से आपका डाटा इसी तरीके से उड़ जाता है। दोस्तों, उसी को देखते हुए गूगल ने अपनी एक एप्लीकेशन निकाली जो कि काफ़ी अच्छी है। तो आप आज इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए, मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वो एप्लीकेशन जो गूगल ने हाल ही में लॉन्च करी है दोस्तों, उसका नाम है डेटाली। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेटाली दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इसके 1 मिलियन डाउनलोड्स है और 4.1 की रेटिंग है जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी है। या फिर दोस्तों आप इसे मेरे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इसे ओपन करना है। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन ओपन हो रही है। दोस्तों जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होती है यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों यस आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेटअप डाटा सर्वर लिखा आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ये आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मांगेगा। ये देखिए, तो यहाँ से आपको ये अलाउ करना है। दोस्तों इस तरीके से आपको बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मांगेगा आपके फ़ोन के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे देखिए अनेबल कर देता हूँ सब। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैंने सबको अनेबल कर दिया है। अब दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे हमारा डाटा सेवर ऑन हो चुका है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको बता देता है कि आपके फ़ोन में सबसे ज़्यादा MB आज किसने ली। जैसे कि YouTube ने सबसे ज़्यादा ली, जैसे कि 126 MB टुडे। गूगल प्ले स्टोर ने लिए 16.9 MB। व्हाट्सअप ने लिए 5.4 MB। दोस्तों इस तरीके से काफ़ी चीज़ें बता देता है। दोस्तों आप यहाँ मैनेज डाटा में जाएंगे इसमें, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आपका जो पूरा डाटा बता देता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूरा डाटा बता देता है कौन से आपने कितना MB लिया। और दोस्तों ये आपको वो भी, अगर आप चाहते हैं कि कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन का डाटा ना ले, तो आप उस पर ये लॉक पर क्लिक करके उसे सिंपली अनेबल, सॉरी फ्रेंड्स, डिसेबल कर सकते हैं कि ताकि वो जो आपके फ़ोन में डाटा है ना ले। तो जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब को अगर ये लॉक पर क्लिक करता हूँ तो यूट्यूब मेरा डाटा लेना बंद कर देगा। या फिर दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक और अच्छे से। दोस्तों देखिए, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे YouTube ऑन कर लेता हूँ। ओके गाइस, वन सेकेंड फ्रेंड, यहाँ पे YouTube मेरा ऑन हो रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर जैसे कि देखिए मैं जैसे YouTube पर अपने चैनल में चले जाता हूँ, दोस्तों ये देखिए आप YouTube ऑन करते हो या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हो जो इंटरनेट से आपका यूज़ हो रहा है, तो आपके साइड में देखिए इस तरीके से लोगो बना आ जाता है। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आपको साइड में बताते रहेगा, जैसे कि अभी YouTube है तो यहाँ पर देखिए बताएगा कि नीचे कितना MB YouTube ने यूज़ कर लिया। जैसे कि अभी दोस्तों मैं यहाँ पर आपको अपना कोई भी वीडियो ओपन करके दिखा देता हूँ, जिसकी दोस्तों मैंने ये ओपन कर लिया। वन सेकेंड फ्रेंड्स, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर मेरा वीडियो जो है ओपन हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा वीडियो यहाँ पर ओपन हो रहा है। अब दोस्तों ये देखिए YouTube यहाँ पर नीचे बता रहा है कि कितना MB लिया है YouTube ने, जैसे कि अभी 2 MB, 3 MB इस तरीके से बता रहा है। अब दोस्तों अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ से नीचे ब्लॉक डाटा पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं ब्लॉक डाटा पर क्लिक करता हूँ तो ये दोस्तों YouTube का जो डाटा है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब दोस्तों आप जो है इसमें डाटा यूज़ नहीं कर सकते YouTube में, YouTube डाटा लेना बंद कर देगा। ये देखिए मैं आपको वापस से अपना वीडियो ऑन करके दिखा देता हूँ, वीडियो हमारा ऑन ही नहीं होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा कोई भी वीडियो ऑन नहीं होगा क्योंकि YouTube ने यहाँ पर डाटा लेना बंद कर दिया है। अब दोस्तों ये ट्रिक तो काफ़ी अच्छी, लेकिन अब ये हमारे क्या काम में आ सकती। दोस्तों जैसे कि सपोज़ कर लीजिए, अगर आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो और आप सोचते हैं कि तब तक हम यूट्यूब पर ऑफलाइन वीडियोज़ देख लें, या फिर दोस्तों आप कोई भी एप्लीकेशन से कुछ भी काम कर रहे हैं आपका और आप सोचते हैं तब तक हम कोई दूसरी चीज़ ले से कुछ एंटरटेन हो जाते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। दोस्तों आपका जो दूसरा एप्लीकेशन है बाकी एप्लीकेशन से
वो भी दोस्तों आपका जो डाटा है वो गेन करना शुरू कर देते हैं, जिससे दोस्तों आपके फ़ोन का जो स्टोरेज भी वो बढ़ते चले जाता है, और दोस्तों उससे हमारा फ़ोन की हैंगिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो दोस्तों उस चीज़ में आपके काफ़ी काम आने वाला है, आप वहाँ से इसे ब्लॉक कर सकते हैं। और उसी तरीके से दोस्तों अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे आप अलाउ डाटा भी कर देंगे, तो ऐसे आसानी से आपका जो डाटा जो है ये देखिए ऑन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों डाटा तो ऑन रहेगा लेकिन जो यूट्यूब का जो हमारा ब्लॉक था अब वो अनब्लॉक हो जाएगा, तो अब आसानी से आप कोई भी वीडियो या इसमें यूट्यूब में डाटा चला सकते हैं। तो दोस्तों बस काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपकी क्या ओपिनियन है इस एप्लीकेशन के बारे में। और दोस्तों फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।